हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो है डोरेमोन का लास्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यूँ तो आपने बहुत सारे लास्ट एपिसोड्स यूट्यूब में देखे होंगे, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट 90% या तो जैपनीज हैं या बस इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हमने बचपन से हिंदी में देखा है डोरेमोन, तो हमें उन वीडियोस में वो मज़ा नहीं आता जो हमें हिंदी में देखने में आता है। जैसे वो कहते हैं ना, जो बात हिंदी में है वो औरों कहाँ। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैंने कोई स्लाइड शो यूज़ नहीं किया है, जो ओरिजिनल फुटेज है लास्ट एपिसोड का वो यूज़ किया है ताकि आपको बेटर समझ में आए, और हर डायलॉग जो कि जापानीज में था इस वीडियो में आपको मैंने वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। और मुझे पता है आप बड़े हो या छोटे, पर आपने कभी ना कभी डोरेमोन अपनी लाइफ में देखा ही होगा। तो अगर आप डोरेमोन के फैन हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एपिसोड इंडिया में अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुआ है डोरेमोन का। तो इसमें आपको कैरेक्टर्स की आवाज़, इस वीडियो में जो ऑडियो है वो मेरी वॉइस है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ओरिजिनल नोबिता शिज़ुका जैसी वॉइस तो नहीं है, बट हिंदी में है तो आपको बेटर रहेगा समझने के लिए। इंग्लिश सबटाइटल्स और जापानीज लैंग्वेज से तो बेटर ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो एंजॉय कीजिए। तो हमेशा की तरह नोबिता अपने कमरे में चिल्लाते हुए आता है, डोरेमोन डोरेमोन, और बोलता है, मुझे वो गैजेट चाहिए जो तुमने मुझे उस दिन दिया था। डोरेमोन, जल्दी करो और मुझे वो गैजेट दे दो। और जैसे ही डोरेमोन के हाथों से बुक गिरती है तो नोबिता कहता है, डोरेमोन तुम्हें क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या डोरेमोन, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? डोरेमोन, मैं कुछ बोल रहा हूँ। और डोरेमोन फर्श पे गिर जाता है। नोबिता रोने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो फिर वो डोरेमी से कांटेक्ट करता है और डोरेमोन की हालत के बारे में उसे बताता है। तो डोरेमी डोरेमोन की हालत सुन के बोलती है कि मुझे लगता है कि डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई। नोबिता बोलता है, क्या बैटरी ख़त्म हो गई है? मैं तो डर ही गया था। तो डोरेमी, तुम डोरेमोन की बैटरी जल्दी से बदल दो। तो डोरेमी कहती है, नोबिता ये इतना सिंपल नहीं है। जो ओल्ड कैट रोबोट्स होते हैं जैसे डोरेमोन, उनके कान में मेमोरी सर्किट होता है जो बैटरी बदलने में काम आता है, पर जैसे कि तुम जानते हो मेरा भाई पहले ही अपने कान खो चुका है, तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम डोरेमोन की बैटरी रिप्लेस करें तो डोरेमोन अपनी सारी यादाश्त खो बैठेगा। वो सारी यादें जो डोरेमोन और तुमने साथ मिलकर बिताई है वो सब मिट जाएगी। नोबिता रोते हुए कहता है, क्या मिट जाएगी? नोबिता बोलता है, ये सब बकवास है। बस बैटरी खत्म होने से ऐसा कैसे हो सकता है? हम डोरेमोन में नई बैटरी लगाएंगे और वो फिर से ठीक हो जाएगा। डोरेमी कहती है, शांत हो जाओ नोबिता, हर रोबोट को ताकत चाहिए होती है, और स्पेशली डोरेमोन जैसा नाजुक रोबोट कीमती यादें ही दिमाग में रखते हैं, बाकी छोटी मोटी यादों को भूल जाते हैं। नोबिता कहता है, बस बहुत हुआ, मैं फ्यूचर फैक्ट्री जा रहा हूँ डोरेमोन को सही करने के लिए। नोबिता रुको। नोबिता तुम ठीक तो हो? तुम अब ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे युग वाले अब फ्यूचर में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तुमसे ही कुछ देर पहले मैंने भी वहां जाने की कोशिश की, पर टाइम पेट्रोल ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, और ऐसा पहली बार हुआ है। तो नोबिता बोलता है, तो अब मैं करूं क्या? रुको, एक आइडिया है। अगर मैं डोरेमोन के कान फिर से लगा दूं तो डोरेमोन की मेमोरी सेफ रहेगी। बोलो, सही कहा ना मैंने? तो मैं डोरेमोन की पॉकेट से टूल निकालता हूँ। तो डोरेमी कहती है, नहीं, तुम डोरेमोन की पॉकेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी डोरेमोन एक्टिव और फंक्शनल नहीं है, और हम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते। नोबिता कहता है, अगर ऐसा है तो उसे बुलाओ जिसने डोरेमोन को बनाया है। डोरेमी कहती है, नोबिता, हम रोबोट से ये बात सीक्रेट रखी जाती है कि हमें किसने बनाया है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती नोबिता, पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला रास्ता कि डोरेमोन को फ्यूचर फैक्ट्री ले जाके उसकी बैटरी बदली जाए। भले ही डोरेमोन की यादाश्त चली जाएगी, पर तुम उसके साथ फिर से जी सकते हो और नई यादें बना सकते हो। और दूसरा रास्ता, हमें वेट करना होगा कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो डोरेमोन को बिल्कुल पहले जैसे ठीक कर दे। नोबिता की मम्मी, नोबिता डोरेमोन डिनर तैयार है, वो कहाँ है? उन दोनों में से किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया। मुझे तो लगता है वो फिर से लड़ाई कर रहे होंगे। डोरेमोन, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो नए साल का दिन था, सही कहा ना मैंने? मैं तुम्हें देख के एकदम सरप्राइज हो गया था, और तुमने मुझे अजीब कहा था।
हम कितनी अलग अलग और बहुत सारी जगह पर गए, कभी फ्यूचर कभी पास्ट और कभी कभी तो कई रहस्यमय जगहों पर भी। डोरेमोन जब तुम कंफ्यूज होते हो ना, तुम किसी काम के नहीं रहते। क्यों, सही कहा ना मैंने? जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बस तुम ही होते थे जो मेरे बारे में सोचते थे। और जब हम लड़ते थे, पर बाद में हम फिर से दोस्ती कर लेते। नोबिता रोते हुए बोलता है, कुछ तो बोलो डोरेमोन। डोरेमी बोलती है, मैं जानती हूँ नोबिता कि तुम डोरेमोन की तुमसे जुड़ी यादें को मिटाना नहीं चाहते। थैंक यू नोबिता, मैं बहुत खुश हूँ। यही है वो नोबिता जिसे मैं जानती हूँ। मुझे भरोसा है फ्यूचर में जरूर कोई ना कोई ऐसा इन्वेंशन होगा जो डोरेमोन को ठीक कर देगा। नोबिता, सिजुका बोलती है, सच में नोबिता तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम्हें फिर से सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। डेगी सुकी बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस नोबिता, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। थैंक यू, पर मार्क्स मेरे लिए मायने नहीं रखते। कोई चीज मायने रखती है तो वह है बस नॉलेज। और मुझे लगता है मुझे अभी मेहनत की बहुत जरूरत है। तुम इतनी मेहनत करोगे तो ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है नोबिता। देखो हमें कितना लंबा टाइम हो चुका है, स्कूल की पीछे वाली पहाड़ पे गए थे। चलो आज चलते हैं नोबिता। थैंक यू सिजुका, पर मुझे बहुत से जरूरी काम करने हैं, अगली बार चलेंगे। नोबिता प्लीज रुको। नोबिता बदल गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं, वो नहीं बदला है। डोरेमोन के जाने के बाद उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। मैं जानती हूँ नोबिता को, मैं उसे पिकनिक के लिए बुलाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मैं उसे पिकनिक में ला के ही रहूंगी। नोबिता, डेगी सुकी बोलता है, मानो या ना मानो पर हमारी टेक्नोलॉजी की विकास की गति बहुत धीमी है। जियान बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। सुनियो, क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तब हम सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो स्पेस में ट्रिप के लिए जाना बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा। सुनियो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और हम ये भी सोचते थे कि खाना बस एक बटन दबाने से तैयार हो जाएगा। डेगी सुकी बोलता है, हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। डेगी सुकी बोलता है, तुम्हें पता है वो काम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफी सालों से कर रही थी और हम हमेशा फेल होते रहे, आज वो काम एक साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। सुनियो बोलता है, मुझे पता है वो साइंटिस्ट कौन होगा। डेगी सुकी बोलता है, हाँ सुनियो तुमने सही पहचाना। बस एक कसम जो उसने बचपन में खाई थी कि डोरेमोन को ठीक करके ही रहूंगा, आज 35 साल बाद उसने दिखा भी दिया, जापान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन के। आज मैं समझ गया कि नोबिता में कुछ भी नहीं बदला है। सिजुका बोलती है, हनी। नोबिता बोलता है, सिजुका इधर आओ, तुमने तो कहा था ये जगह खतरनाक है और मैं यहाँ नहीं आ सकती। मैं स्विच ऑन करता हूँ, ओके। और डोरेमोन उठते ही बोलता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया?
दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हर डोरेमोन के फैन को पहुंच जाए। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और यूनिक वीडियोस मैं आपके लिए लाता रह सकूं। उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।